अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के मिस्टर चिप्स जो नावल हैं उसका सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड चैप्टर है मिस्टर चिप्स का, अगर आप इस पर आ गए हैं तो मेक श्योर कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर है एक बार उसको लाजमी स्टडी किया है, क्योंकि कम्प्लीट नावल है, तमाम बातें पीछे से कुछ जुड़ी हुई होती हैं। इसका सेकेंड चैप्टर मिस्टर चिप्स का काफ़ी छोटा सा है, शॉर्ट सा है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले उन्होंने बताया है ब्रूकफील्ड के बारे में, जहाँ पर मिस्टर चिप्स पढ़ाते थे। ब्रूकफील्ड वो स्कूल है जहाँ पर मिस्टर चिप्स ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजारी, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और बहुत से वाक़यात रोनमा हुए, उनकी ज़िंदगी की तमाम यादें वहाँ पर जुड़ी हुई थी। अब ब्रूकफील्ड के बारे में बताया गया कि ब्रूकफील्ड जो है एक ऐसा स्कूल था जो कि बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ के दौर में। क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बनाया गया था ये ब्रूकफील्ड, और एक क्वाड्रेंगल की शेप में था। क्वाड्रेंगल से मुराद ये है कि इसके चारों तरफ ही बिल्डिंग्स बनी हुई थी, इधर भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग और इधर भी बिल्डिंग, इस तरह से क्वाड्रेंगल की शेप थी ब्रूकफील्ड स्कूल की। दूसरा ये कि इसके बाहर एल्म के ट्रीज बने हुए थे, एल्म के ट्रीज में घिरा हुआ था, और बहुत सी वहाँ पर बेलें वगैरह भी थी इनकी बाहर वाली साइड पर बेलें थी और एल्म के दरख्त थे। इस तरह से ब्रूकफील्ड घिरा हुआ था सारा, और उसके अंदर बहुत सारे ब्रूकफील्ड के अंदर खेलने वाले मैदान भी थे, प्लेइंग फील्ड्स भी थी, काफ़ी बड़ा यह स्कूल था। फिर क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बनाया गया। एक आपने ये भी पॉइंट लाजमी याद रखना है, और बिल्डिंग कुछ ऐसे बनी हुई थी जैसे 18th सेंचुरी की बिल्डिंग होती थी, 18वीं सदी वाला जो फैशन था, इस तरह से ब्रूकफील्ड बना था। और इसके बाद इसको एक बार दोबारा से तामीर किया गया था, वो बनाया था किंग जॉर्ज के दौर में। जब किंग जॉर्ज की हुकूमत आई थी तो उस वक्त उन्होंने ब्रूकफील्ड में काफ़ी सारी चेंजेस की थी, उसमें बहुत से एडिशन किए थे और ब्रूकफील्ड को पहले से ज़्यादा बेहतर बना दिया था। जब किंग जॉर्ज का दौर था तो ब्रूकफील्ड को रीबिल्ड किया गया था। अब जो ब्रूकफील्ड है उसके बारे में पहले काफ़ी डिस्कशन आई है, आधे से ज़्यादा चैप्टर ऐसे ही चला है कि जो ब्रूकफील्ड है अभी एक ऐसा स्कूल था कि इसके उतार चढ़ाव आते रहते थे काफ़ी सारे। ये कि इसको बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन ये बुरा स्कूल भी नहीं था। ये कह लें जो उस वक्त बरतानिया के से बड़े स्कूल थे, हैरो वगैरह, हैरो पब्लिक स्कूल वगैरह, उनके लेवल पर नहीं आता था, उनसे तो नीचे ही था, लेकिन हम ये कह सकते थे कि सेकंड रैंक में ये बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था, सेकंड रैंक का बहुत ही अच्छा स्कूल था, ये हम कहेंगे। इस तरह से इसका ये रैंक था। उतार चढ़ाव आते रहते थे। तो कह रहे हैं नेपोलियनिक वॉर्स जब हुई थी, ये हिस्ट्री में नेपोलियन बादशाह था जिसके दौर की जंगें हुई थी, और उसके दौर से लेके मिड विक्टोरियन डेज, मतलब जब विक्टोरियन डेज चल रहे थे, तो उसके दरमियान तक ब्रूकफील्ड का काफ़ी ज़्यादा कह लें डिक्लाइन रहा। इसमें काफ़ी इसका बुरा वक्त था, वो इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ब्रूकफील्ड छोड़ गए थे, और उसके अलावा इनका रैंक भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो मतलब इसके उतार चढ़ाव आते रहे स्कूल में, और अच्छे बुरे दिन भी रहे हैं। अब इसके बाद जो वेदर बॉय था, वो हेडमास्टर था जिसने मिस्टर चिप्स को हायर किया था और उनको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस वगैरह भी दी थी, तो उसने भी ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था 1840 में। वेदर बॉय जो स्कूल का हेडमास्टर था, उसने अपने दौर में ब्रूकफील्ड में काफ़ी काम वगैरह करवाए, अच्छा स्कूल चल रहा था उसके दौर में। ये कि 1840 में वेदर बॉय ने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया था और वहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह इसने प्रोवाइड की थी। अब इसने पूरी पूरी कोशिश की कि ब्रूकफील्ड को जहाँ तक एक अच्छी रेपुटेशन पे लेके जा सके वहाँ तक इसने किया और मेहनत से काम किया। अब ब्रूकफील्ड जो है, इधर जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, कह लें कि इन्होंने भी अपने वतन के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस ही दी, कि बहुत से यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स निकले जो बड़े बड़े लोग भी बने, बहुत से गवर्नर्स और इवन के कुछ आर्मी में भी गए, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, कुछ पॉलिटिक्स में गए, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन बने, तो यहाँ से बहुत से स्टूडेंट निकले। कह सकते हैं कि जैसा कि चैप्टर में बताया गया, यहाँ से कुछ हिस्ट्री मेकिंग मैन भी निकले थे, जिनमें कुछ जजेस थे, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, कुछ पीयर्स बिशप्स थे, कुछ मैन्युफैक्चरर थे, बिजनेसमैन थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और मर्चेंट्स भी थे। ये अपने नाम एक बार लाजमी याद करने के, बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशन वाले, हिस्ट्री बनाने वाले लोग ब्रूकफील्ड में तालीम हासिल कर चुके थे। अब ये थे स्टूडेंट्स के बारे में और ब्रूकफील्ड के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और वेदर बॉय ने भी 1840 में ज्वाइन किया
और काफ़ी अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की ब्रूकफील्ड के लिए। ये सी बातें ब्रूकफील्ड के लिए। अब बात आ गई मिस्टर चिप्स की। अब जो मिस्टर चिप्स थे उनकी एक कोई आला डिग्री नहीं थी, उनकी एक नॉर्मल आर्ट्स में ग्रेजुएशन थी, तो उनकी तालीम का ज़्यादा लेवल नहीं था और वो कोई बहुत अच्छे टीचर भी नहीं थे। उनसे डिसिप्लिन वगैरह बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रखा जाता था और वो एक नॉर्मल लेवल के ही टीचर थे, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत बुरे भी नहीं। कह लें जिस तरह ब्रूकफील्ड था, कोई बहुत अच्छा भी नहीं आता, फर्स्ट रैंक में भी नहीं, लेकिन कोई बुरा भी नहीं था। तो इसीलिए ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स को जॉब मिल गई थी एज अ टीचर। अब जब यंग थे मिस्टर चिप्स, जब आए थे ना ब्रूकफील्ड में, तो काफ़ी यंग पर्सनैलिटी थी उनकी भी, बड़ी कलमें वगैरह थी, बड़े बड़े कॉलर थे जिस तरह उस वक्त का फैशन था, और बड़े यानी पुरजोश किस्म के यंग मैन थे। लेकिन और उस वक्त उनकी भी वही ख्वाहिश थी कि वो भी किसी यहाँ पर पढ़ाएंगे, तजर्बा हासिल करते करते किसी फर्स्ट रैंक के टॉप स्कूल के हेड मास्टर बनेंगे, ये उनका गोल था, कैरियर गोल। लेकिन वक्त के साथ उनको अंदाज़ा हो गया कि जो उनकी डिग्री है और जिस तरह से उनकी टीचिंग है वो उस लेवल पर नहीं है कि वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें। उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर रहा, बट हाउ एवर उन्होंने बात कबूल कर ली और ब्रूकफील्ड में इनको पता चला गया कि मैंने इधर ही रहना है, और उन्होंने यहीं पर फिर कंफर्टेबल हो गए, टेंशन वगैरह छोड़ दी और इधर ईजी होकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर ब्रूकफील्ड को ही अपना घर मान लिया, कई साल पढ़ाते रहे। कह रहे हैं जब मिस्टर चिप्स 40 साल की उम्र में पहुंचे थे, जब 40 साल के थे तो ब्रूकफील्ड में उनका क्या था कि वहाँ पर काफ़ी सीनियर टीचर अब बन चुके थे, और ब्रूकफील्ड जो है उसकी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो रूट्स थी उनकी बुनियादों तक मिस्टर चिप्स पहुंच चुके थे, कि अब ब्रूकफील्ड उनका अपना घर बन चुका था, वहाँ पर हर शख्स इनके रिस्पेक्ट भी करता था और इनकी हर बात मानी जाती थी, सुनी जाती थी। जब मिस्टर चिप्स 50 के हुए तो उस वक़्त मिस्टर चिप्स जो हैं वो डॉयन ऑफ द स्टाफ बन गए। डॉयन से मुराद ये है कि एक सीनियर बन गए थे, हेड बन गए थे तमाम के तमाम स्टाफ के जो भी मामला होते थे तो उनमें मिस्टर चिप्स की जो है ज़्यादा चलती थी, टीचर्स में वो हेड थे लेकिन हेड मास्टर नहीं थे। फिर जब वो 60 के हुए तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो मोस्ट सीनियर टीचर थे, क्योंकि एक तो ये कि जो भी मामलात होते थे फिर ब्रूकफील्ड से रिलेटेड, तो वो फाइनल डिसीजन मिस्टर चिप्स किया करते थे। जितने भी उनके डिनर्स वगैरह होते थे या कोई भी अच्छी इवेंट होते थे तो उनमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मिस्टर चिप्स को बुलाया जाता था, और जब भी कोई बड़ा ट्रेडिशन वगैरह का मामला होता ब्रूकफील्ड के किसी डिस्कशन पे तो फाइनल डिसीजन मिस्टर चिप्स का ही होता था। तुम कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो इटसेल्फ ब्रूकफील्ड बन चुके थे। अब 22 की उम्र में उन्होंने ज्वाइन किया ब्रूकफील्ड, 40 की उम्र में सीनियर टीचर थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे। 50 के अंदर वो डॉयन बन गए स्टाफ के, टीचर्स के हेड बन गए थे डॉयन, और उसके बाद 60 में वो तमाम चीज़ों में एक उन्हीं की राय मानी जाती थी, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर रखा जाता था तमाम चीज़ों में, और तमाम के तमाम मामले जो ब्रूकफील्ड के ट्रेडिशन वगैरह पे अफेक्ट करते थे उनमें लास्ट जो होती थी वो मिस्टर चिप्स की ही मानी जाती थी। इसके बाद मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट का वक्त आ गया था। जब मिस्टर चिप्स 65 साल के हुए, 1913 की बात है, तब मिस्टर चिप्स रिटायर हो गए ब्रूकफील्ड से। मिस्टर चिप्स को एक बहुत अच्छे इनके लिए वो तकरीब मुनक्किद कराई गई, मिस्टर चिप्स ने तकरीर भी की, तमाम लोगों ने मिस्टर चिप्स को काफ़ी कह लें अप्रिशिएट किया, इनके नाम के बकायदा नारे भी लगाए गए, इन्हें कुछ गिफ्ट दिए गए और एक बहुत ही अच्छी किस्म की रिटायरमेंट दी। मिस्टर चिप्स को उन्होंने कुछ जो गिफ्ट दिए थे उनमें एक इनको चेक दिया गया था, उनको एक राइटिंग डेस्क दिया गया था और एक घड़ी दी गई थी। ये तीन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एक चेक, राइटिंग डेस्क और उसके बाद था एक क्लॉक, ये मिस्टर चिप्स को गिफ्ट के तौर पे दिए गए थे और उनके नाम के नारे भी लगे, उन्होंने एक अच्छी सी तकरीर भी की और इस तरह से मिस्टर चिप्स रिटायर हुए। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी शानदार किस्म की इनकी रिटायरमेंट रही, कि आए उन्होंने इज्जत से पढ़ाया, बहुत सीनियर टीचर रहे, खुश भी रहे, हर चीज़ में उनको इज्जत भी दी गई, ब्रूकफील्ड के ओल्ड 3 टीचर थे, पूरी जिंदगी पढ़ाए, 65 साल की उम्र में वो चुप करके वहाँ से रिटायर भी हो गए और बहुत ही इज्जत अंदाज में रिटायर हुए। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रूकफील्ड में रोड क्रॉस करके ही, ब्रूकफील्ड के पार ही मिसेस विकेट का घर था, तो वो मिसेस विकेट के घर चले गए थे रहने के लिए और वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था, एक रिटायर्ड लाइफ उन्होंने वहाँ पर शुरू की थी। यहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर एंड होता है। जो तीन मेन चीज़ें थी, पहले ब्रूकफील्ड के बारे में, यह आपका पूरा एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कब बना, कैसी बिल्डिंग थी, कब रीबिल्ड किया गया, उसमें क्या उतार चढ़ाव आते रहे, और उसके अलावा वेदर बाय जब आया तो उसने क्या किया, कब ज्वाइन किया।
दूसरी बात, उसके अलावा स्टूडेंट्स भी, के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किए जो ब्रूकफील्ड से निकले थे, अपने वतन के लिए उन्होंने क्या क्या किया। फिर बात आगे मिस्टर चिप्स की, मिस्टर चिप्स की स्टडी के बारे में, क्या मिस्टर चिप्स जो हैं जब आए थे तो वो क्या थे, उनको पता चल गया उनकी डिग्री और जो उनका एक एजुकेशन लेवल है वो उस पर नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। ख्वाहिश ये थी कि वो किसी फर्स्ट रैंक के हेड मास्टर बन सकें, फर्स्ट रैंक के स्कूल के हेड मास्टर बन सकें। लेकिन उनको जब आइडिया हो गया तो वो उन्होंने अपने आप को ब्रूकफील्ड में एडजस्ट कर लिया। 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में उनकी क्या फीलिंग्स रही, चिप्स ब्रूकफील्ड से कैसे रिलेटेड थे, किस तरह जुड़े हुए थे वो, और फिर उनकी रिटायरमेंट क्या रही, रिटायरमेंट कैसी थी वो भी। मिस्टर चिप्स ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की, मजाया से तकरीर की, बीच में कुछ लैटिन जोक्स वगैरह भी बोलते रहे। मिस्टर चिप्स लैटिन के टीचर थे, उनको लैटिन पढ़ाया करते थे यानी लातिनी ज़ुबान। और इस तरह से वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट पे उनको क्या चीज़ें मिली और फिर उन्होंने क्या किया, मिसेज विकेट के घर चले गए रहने के लिए। यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर एंड होता है। अब आपने कंप्लीट चैप्टर को लाजमी एक बार स्टडी करना है। इसमें कुछ इस तरह इन्होंने लिखा हुआ नावल को कि थोड़ा आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ही बुक की हेल्प लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। इसकी ट्रांसलेशन एक बार आप लाजमी करें। इसके अंदर चैप्टर में जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लगते हैं उनको आप अंडरलाइन करें और उनको अच्छी तरह से पढ़ें समझें, क्योंकि आपके सिनोनिम्स भी आते हैं चैप्टर में। एमसीक्यूज़ के अंदर 4 से 5 नंबर के आपके वर्ड्स आएंगे जिनके लाहौर पंजाब बोर्ड के लिए, जिनके उन्होंने सिनोनिम सेलेक्ट करने होते हैं 5 या 4 नंबर के। तो मतलब एक इंग्लिश मतलब का ही आपने इंग्लिश में मीनिंग बताना होता है। सेम वे फेडरल बोर्ड के भी सिनोनिम्स आते हैं और मिस्टर चिप्स के अंदर से आते हैं, तो इसलिए आपके चैप्टर की ट्रांसलेशन वगैरह ज़रूरी है। इसको लाजमी पढ़ें, मुश्किल लफ्ज़ों को ख़ास तौर पर याद करें, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और उसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या वर्डिंग देनी है, किस अल्फाजों में लिखना है वो भी आपको पता चलेगा, और आपके सिनोनिम्स भी कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।